भाइयों और बहनों, मुझे ये भी बताया गया है कि हार के डर से बीजेडी झूठ और अफवाहें फैला रही है। वो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो पूरी योजनाएं बंद कर देगी। ओडिशा के मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी हैं, मेरे शब्द लिख करके रखिए। हम कभी भी योजनाएं बंद नहीं करते। अगर हम बंद करते हैं तो भ्रष्टाचार बंद करते हैं, हम दलाली बंद करते हैं और दलालों को बंद करते हैं। और भाइयों बहनों, यहां पर मैं सोच नहीं सकता था पराजय के डर के कारण बौखला हुए लोग, गुंडागिर्दी करने वालों का, अपराधियों का भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हमें मौका दीजिए, सब हम ठिकाने पर न लाए तो मुझे कहना। अभी दो दिन पहले यहां खोरदा में हमारी पार्टी के युवा साथी मंगुली जैना की हत्या कर दी गई है। गुंडों ने अपने हाथ से सत्ता जाते देखकर ही बौखलाहट में ये अपराध किया है। वो अभी से चौकीदार से डरने लगे हैं। भाइयों बहनों, इस गुंडा राज से भी ओडिशा को मुक्त करना है कि नहीं करना है? आपको सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बहन बेटियों की सलामती चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों से निपटने की ताकत किस में है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अरे, आपका एक वोट कर सकता है। एक बार मुझे मौका दे दीजिए, आप देखिए। मैं मंगुली जैना के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको ये भरोसा देता हूं कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भरोसा देता हूं कि यहां सरकार बनने के बाद गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा। मैं ओडिशा की राजधानी से पूरे राज्य की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी हमेशा उड़ीसा की जनता के साथ खड़ा है। और आप भाइयों भरोसा कीजिए, ये मोदी आपके साथ खड़ा है बीजेडी के गुंडों और अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलिए, राज्य सरकार बदली बा दरकार, राज्य सरकार बदली बा दरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। ओडिशा राज्य में परिवर्तन का मन बना चुकी है।